पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए राज्य में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ममता का कहना है कि मेरे सभी प्रस्तावों को ठुकराया गया है। गठबंधन के लिए ममता का इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि लोकसभा चुनाव को 3 महीने से भी कम समय बचा है और गठबंधन के दल अपने सियासी मतभेदों को भी नहीं सुलझा पा रहे हैं। ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ममता ने यह फैसला राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बंगाल पहुंचने के ठीक पहले लिया है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे सभी प्रस्तावों को ठुकराया गया। उल्लेखनीय है कि ममता कांग्रेस को राज्य में लोकसभा की 2 सीटें ही छोड़ना चाहती थी जो कांग्रेस के लिए मंजूर नहीं था। दूसरा, ममता वामपंथी दलों के साथ भी खड़ा नहीं होना चाहती थी क्योंकि उन्हें हरा कर ही वे बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई है। इस बीच जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस को नरम रवैया अपनाना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि गठबंधन में फिलहाल स्थिति गंभीर है, ऐसे में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस मामले में दखल देना चाहिए। दूसरी ओर भाजपा ने कहा कि गठबंधन का यह हाल तो होना ही था। दरअसल पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लगातार ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर हमला करते रहे हैं। हाल ही चौधरी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए उन्हें अवसरवादी बताया था और कहा कि कांग्रेस उनके सहयोग के बिना ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इससे पहले भी जब टीएमसी ने कांग्रेस को 2 सीटों की पेशकश की थी तो चौधरी ने कहा था कि कांग्रेस सीटों के लिए टीएमसी से भीख नहीं मांगेगी।